यहाँ पर हमने TGT इंग्लिश का 2009 का पेपर दे रखा है। इसमें समय 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 425 शो किए गए हैं। पहले यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया गया है, तो पैसेज को किस तरह से आपको हल करना है, जो भी हमारे मित्र इस चैनल से जुड़ रहे हैं कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करते रहें ताकि आपको पुराने अपडेट जो है वो प्राप्त होते रहें। यहाँ पर पैसेज दे रखा है जिसमें 10 क्वेश्चन है एक से लेकर के। यू मे थिंक बी ए साइन ऑफ गुड मैनेजर, यू हैव टू ए डिपार्चर डिपार्टमेंट वेयर एवरीबडी इज बिजी टू वर्क ऑन देयर असाइनमेंट टास्क। तो ये पैरा दिया है और कहाँ तक दे रखा है, इसको इन्होंने दे रखा है यहाँ पर न्यू आइडियाज तक। तो यहाँ पर पहला जो नीचे क्वेश्चन दिया है, इस पैसेज से पूछा गया है कि द गिवेन पैसेज स्पीक्स अबाउट, किसके बारे में ये बताता है। ऑप्शन दे रखे हैं और राइट आंसर इसमें है द साइन ऑफ ए गुड मैनेजर। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट ए गुड मैनेजर इज वन। ऑप्शन ए हु हैज ए डिपार्टमेंट वेयर एवरीबडी इज वर्क इज बिजी एट वर्क। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन दिया है हु ऑफर्स ए कैश बोनस टाइम ऑफ और गिफ्ट टू द वर्कर्स। तीसरा ऑप्शन है हु इज ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज, और डी ऑप्शन है हु इज टू क्विक टू ईगर टू शो ऑफ इज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। बट राइट आंसर इज सी हु इज द ओपन माइंड एंड रिसिप्टिव टू न्यू आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पीपल मेयरली डूइंग देयर जॉब्स इन देयर पैसेज मीन्स। ऑप्शन ए द पीपल बिजी एट वर्क डू नॉट परफॉर्म देयर असाइनमेंट टास्क। ऑप्शन बी दिया है दैट सच पीपल प्रोड्यूस ए हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। ऑप्शन सी दैट सच पीपल आर वर्किंग एट अबाउट हाफ देयर पोटेंशियल, और ऑप्शन डी दैट सच पीपल आर इनोवेटिव। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी दैट सच पीपल आर वर्किंग एट अबाउट हाफ देयर पोटेंशियल। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है इन ए ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए पीपल आर बिजी एट वर्क ऑन देयर असाइनमेंट टास्क। ऑप्शन बी पीपल आर बिजी एट वर्क टू प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ऑप्शन सी पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ इवॉल्विंग बेटर एंड मोर इफिशियंट मेथड ऑफ वर्किंग। ऑप्शन सी ऑप्शन डी पीपल ऑलवेज मेक ए शो ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ इवॉल्विंग वेटर एंड मोर इफिशियंट मेथड ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड मोटिवेशन इन द पैसेज मीन्स। ऑप्शन ए टू इम्प्यूट ए मोटिव टू एन एक्शन। ऑप्शन बी द एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स। ऑप्शन सी टू पुट ए थिंग इन टू एक्शन। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और राइट आंसर इज बी द एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज इन द पैसेज सजेस्ट। ऑप्शन ए रेडीनेस टू रिसीव न्यू आइडियाज। ऑप्शन बी टू ए कॉजन एंड केयरफुल अबाउट द न्यू आइडियाज। ऑप्शन सी टू शेयर विद योर पीपल द न्यू आइडियाज। ऑप्शन डी टू थिंक ऑफ बेटर एंड मोर इफिशियंट मेथड्स ऑफ वर्किंग। वट राइट आंसर इज ऑप्शन ए रीडिंग रेडीनेस टू रिसीव न्यू आइडियाज। एट 7 क्वेश्चन द वर्ड इंसेंटिव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज सजेस्ट। ऑप्शन ए प्रोड्यूस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट इन लेस टाइम। ऑप्शन बी टू प्रोड्यूस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। ऑप्शन सी एन एडिशनल पेमेंट और एडिशनल फैसिलिटीज टू इम्प्लॉयज टू इंक्रीज प्रोडक्शन।
ऑप्शन डी एम्प्लॉयज फेयर दैट मैनेजमेंट डज लिसन टू हिज सजेशन एंड आइडियाज. राइट आंसर इज ऑप्शन सी एन एडिशनल पेमेंट और एडिशनल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज टू इंक्रीज प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द राइटर इज ऑलवेज. ऑप्शन ए बिजी एट वर्क ऑन हिज असाइनमेंट टास्क. ऑप्शन बी एक्टिविटी थिंकिंग ऑफ बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग. ऑप्शन सी हैज एन आई ऑन कैश बोनस टाइम ऑफ आर ए गिफ्ट. ऑप्शन डी सजेस्टिंग व्हाट नेवर बिजी एट वर्क. राइट आंसर इज द ऑप्शन बी एक्टिवली थिंकिंग ऑफ बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन द इनोवेटिव सजेशन आर न्यू आइडियाज फ्रॉम योर एम्प्लॉयज कैन बी ऑब्टेंड व्हेन. ऑप्शन ए यू ऑफर ए कैश बोनस टू हिम. ऑप्शन बी यू मेक हिम फील दैट मैनेजमेंट डज लिसन टू हिम आर हर एंड पुट्स हिज आइडियाज टू वर्क. ऑप्शन सी यू डिस्ट्रस्ट हिज एक्सपीरियंस एंड नो लेस. ऑप्शन डी यू प्रेशराइज him to tender new ideas or face the consequence. The right answer is option B. You make him feel the management does listen to him. Next question. A good manager should be open-minded and receptive to new ideas. Option B. Quickly shoot down innovative suggestion from an employee to assert supremacy of his experience and knowledge. Option C. Discard innovative ideas, dubbing them unworkable. Option D. Be content with the normal functioning of the department. Right answer is option A. Be open-minded and receptive to new ideas. अब next इसके बाद में आता है आपका Choose the correct alternative to fill in the blanks in the following sentence. Next question है A dot dot soldier fight for the sake of money. ऑप्शन दिए हैं materialistic, pioneer, veteran and mercenary. तो right answer is mercenary option D. Next question है The road to hell is dot dot with good intentions. तो यहां पर भरा जाएगा पेड. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लॉ ग्रीन्ड द डॉट डॉट एंड रिच मैन रूल द लॉ. ऑप्शन ए है क्रिमिनल्स. ऑप्शन बी पुअर. ऑप्शन सी इनोसेंट. ऑप्शन डी डेस्ट्यूड. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पुअर. अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू एन एलिफेंट. ऑप्शन चार दे रखे हैं ऑप्शन ए कीप अप. ऑप्शन बी कीप अप विद. ऑप्शन सी कीप इन एंड ऑप्शन डी कीप ऑन. राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि कीप अप. नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर कॉलेज बिल्डिंग हैज ए गुड. ऑप्शन चार दे रखे हैं ऑप्शन ए साइट है. ऑप्शन बी साइट है. ऑप्शन सी साइट है और ऑप्शन डी साइड है. तो राइट आंसर हो जाएगा एस आई टी ई साइट दृश्य यानी कि ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर इज इंडेब्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम प्लेज. चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए द अरबियन नाइट्स. ऑप्शन बी हॉलिस्ड क्रोनिकल. ऑप्शन सी बी वॉल्फ. ऑप्शन डी द आर्थजन लीजेंड्स. तो राइट आंसर है इसमें हॉलिनेस्ड क्रोनिकल यानी कि बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्रिस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स. स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोइट. ऑप्शन ए मिल्टन. ऑप्शन बी स्पेंसर. ऑप्शन सी
शेक्सपियर और ऑप्शन डी मार्लो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी इज ए सोनेट रिटन बाय। ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी शेक्सपियर एंड ऑप्शन डी स्पेंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द करेक्टर ऑफ मालवोलियो। मालवोलियो का चित्रण उन्होंने अपने किस प्ले में किया था शेक्सपियर ने, तो यहां पर चार दिए हैं, लव्स लेवर लॉस्ट, ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी ऑप्शन सी हैमलेट और ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ट्वेल्थ नाइट में मालवोलियो का करेक्टर दिया गया था। एट 20 क्वेश्चन, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज ए, क्या है ये? राइट, इसमें ऑप्शन ए दिया है सोनेट, ऑप्शन बी दिया है ओड है, ऑप्शन सी दिया है मॉस्क है और ऑप्शन डी दिया है पोस्टरल इलेजी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये सोनेट है यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज हमने यहाँ पर आपको पैरा सहित 20 क्वेश्चन यहाँ पर हल करवाए जो कि आपकी TGT 2009 के पेपर से रिलेटेड है।